बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस सवान, एडवोकेट, और आज मैं बात करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 7 के वाले से कि आर्टिकल नंबर 7 में क्या राइट दिया गया और क्या चीज़ डिक्लेयर की गई है। तो आर्टिकल नंबर 7 जो है, इसमें मुमलिकत की तारीफ की गई है, यानी डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल नंबर 7 में की गई है, और डेफिनेशन ऑफ स्टेट में मुमलिकत से मुराद वफाकी हुकूमत, मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट, या सूबाई हुकूमत या सूबाई असम्बली, या पाकिस्तान में ऐसा मजाज अदारा मुराद हैं जिनको अज़रुए कानून कोई मसूल या चुंगी आयद करने का अख्तियार हासिल हो। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 7 में स्टेट को ये अख्तियार हासिल है कि वो टैक्स लगा सकती है, यानी टैक्स लागू करने का अख्तियार आर्टिकल नंबर 7 के तहत हासिल है। कोई भी टैक्स जब स्टेट लगाएगी, स्टेट के अंदर कोई भी अदारा मजाज अदारा लगाएगा, तो वो आर्टिकल नंबर 7 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके तहत लगाया जाएगा।